नमस्ते दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बॉलीवुड, फिल्म में हर कोई हिंदुओं की भावनाओं को आत करने में लगा हुआ है। हिंदू ब्राह्मणों, पुजारियों, पंडितों, शास्त्रियों के खिलाफ जिन भावनाएं भड़काई जाती हैं उनको उपहास का पात्र बना करके दिखाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मियाँ, मौलाना और पादरियों को बहुत अच्छा इंसान बना करके दिखाया जाता है। हिंदू आज के समय में इतना जागृत तो हो चुका है कि इन सब के पीछे का नैरेटिव और प्रोपेगेंडा समझने लग गया है और सोशल मीडिया पर जाकर इन सब को जमकर एक्सपोज भी करता है। पर क्या इतना ही काफी है? कब तक हम इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि वो सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ कुछ गलत दिखाएं और हम सोशल मीडिया पर जाकर क्रांतिकारी बन जाएं, हम सोशल मीडिया के शेर बन के दिखाएं, या फिर अपना इनिशिएटिव लेकर अपने साथ घटित सच्ची घटनाओं को पर्दे पर उतारने की पहल भी करें। एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ नैरेटिव चलाने के लिए फंड रेज करते हैं, महीने के लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं, किस लिए? हिंदुओं की कब्र खोदने के लिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर भी डोनेशन देने के लिए सर्वाधिक लोग हिंदू ही होते हैं। अभी तक हमारे जितने भी लोग बलिदान हो चुके हैं, एक आंकड़े के अनुसार हमारे ही समाज ने एकत्रित करके उनको भी 20 से 25 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसी का दशांश एकत्रित करके हम उन सभी बलिदानियों जिनका किन्हीं ना किन्हीं कारणों से प्राणांत हुआ है उनके जीवन पर कुछ चलचित्र बना सकें? हमने ऐसी 10 कहानियां चुनी हैं जिन पर हम काम भी करना शुरू कर चुके हैं और इसके लिए आपकी सहायता हमें चाहिए। अब आपको निर्णय लेना है कि सोशल मीडिया पर जाकर के हमें विधवा विलाप करना है या फिर अपना इनिशिएटिव लेना है, अपनी ताकत को मजबूत करना है, उनके झूठ के नैरेटिव को ध्वस्त करना है, अपने सच के नैरेटिव को स्थापित करना है। यह निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। विज्ञान का भी एक नियम है, अगर कोई मेटेलिक रॉड मुड़ी हुई है और उसको आपको सीधा करना है तो जितनी फोर्स से वो मुड़ी थी उतनी ही फोर्स लगाकर उसको सीधा करना पड़ेगा। हमने यह कार्य आरंभ कर दिया है, अब आपकी बारी है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, यह कार्य कोई सत्य सनातन या अंकुर आर्य का अकेले का नहीं है। जिस समाज के लिए हमें यह फिल्म्स बनानी है उस तक पहुंचाने हेतु हमें आपकी सहायता चाहिए ही चाहिए और यह आपका कर्तव्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी सत्य सनातन परिवार के लोग हैं प्रत्येक के घर से कुछ ना कुछ इन फिल्म्स के निर्माण में अवश्य आएगा। अगर आपको हमारा यह भगीरथ प्रयास अच्छा लगता है और आप इसमें भामाशाह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि यह कार्य कितना जरूरी है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।